पटौदी के गांव गुढ़ाना के लोग उस वक्त सहम गए जब एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका होने के साथ घर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। ये धमाका एलपीजी गैस रिसाव के कारण हुआ। इस घटना में एक महिला व गाय की बच्चिया घायल हो गई। महिला को पटौदी अस्पताल में भेजा गया, जहां उसकी नाजुक हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल उसे रेफर किया गया। दरअसल 55 वर्षीय इमरती अपने परिवार के साथ गांव गुढ़ाना में रहती है। कल सुबह करीब 6 बजे वो रसोई में गई थी। यहां वो पानी को गैस पर गर्म करने के लिए रख रही थी। जैसे ही इमरती ने माचिस जलाई, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ और घर के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें महिला व गाय का 13 महीने का बच्चा दब गया। धमाका उठाया, अड़ोसी पड़ोसी भाग गए हैं, सबको देखा, सबको काट लिए। ये 6 बजे की बात है। फिलहाल महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं घटना में झुलसी गाय की बच्चिया को झज्जर के दादरी तौ स्थित गौशाला में इलाज के लिए भेज दिया गया है। धमाके के बाद लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबी इमरती और गाय की बच्चिया को बाहर निकाला गया। इमरती को पटौदी के अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ उसकी हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल उसे रेफर किया गया। वहीं गाय की बच्चिया को भी गौशाला भेज दिया गया है। सुबह उठी तो वह तिल्ली लगाई उन्हें चुल्ला के, तिल्ली लगाती बोल को धमाक को। सिलेंडर फटा नहीं है? सिलेंडर कोई नो नहीं बेरो, नहीं चाहते फटे हो सक ना फटे, सीओ सिलेंडर हमने हटाए नहीं से। हमने गाय का हड्डी से 12-13 महीना की बच्चिया थी बैठ की, अरवा का हड्डी गाय भेज दी उन्हें झज्जर गौशाला में हॉस्पिटल में। वह पटौदी भेजी थी, पटौदी वाला ने तो रेफर कर दी दिल्ली वो में सफदरजंग में। बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद आसपास के कई घरों में दरार आ गई है। धमाके की आवाज करीब आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना ने उन सभी लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है जो कि रसोई में प्रयोग होने वाली एलपीजी गैस का लापरवाही से उपयोग करते हैं। गैस का रिसाव होने पर गैस एजेंसी को सूचित करके ठीक कराने में लापरवाही बरतते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।